अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुशामदीद। सोच रहा था कि मेरी हाइट बढ़ जाए, लेकिन अब कहाँ बढ़नी, क्योंकि इसकी एक एज लिमिट है। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ती और ना उनको नॉलेज है कि कैसे और क्या किया जाए, कौन सी डाइट अपनी रूटीन में रखी जाए और कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाए जिससे हाइट बढ़े। इसकी एक एज लिमिट है, मैक्सिमम मेडिकली साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से 22 साल तक आप कोशिश कर सकते हैं डाइट और ट्रेनिंग से। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अब हाइट नहीं बढ़ेगी, अब सोचना छोड़ दें, अब जितनी हेयर रह गई है, मेरा तो टाइम गुजर चुका है, अब जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है। डाइट में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। फर्स्ट, आपने जो डेली डाइट रूटीन है उसमें ऑयल प्रोसेस चीज़ों से दूर रहना, कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जैसे चीज़, चेडर चीज़ आप कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ कर सकते हैं, लो फैट चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल डे आपने विटामिन सी और कैल्शियम इन वन ग्लास, एक ग्लास में साशे किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसको आपने एक ग्लास हाफ लीटर या कह लें ऐड करके आपने डेली पीना है। ये चीज़ों का इस्तेमाल करें और जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। इन चीज़ों को आप जब रूटीन में रखेंगे तो फिर हाइट बढ़ेगी, क्योंकि आपका बोन्स जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, मसल फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हाइट बढ़ेगी। तो चलें ट्रेनिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग है जिससे हाइट बढ़ सकती है। शायद इसी रूटीन में ट्रेनिंग करने से मेरी भी एक दो पॉइंट हाइट बढ़ जाए। ओके, फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं लेग, आप जितनी वाइड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है आपके नी, ग्लूट्स, आपके बैकबोन, शोल्डर, ये सभी जो जॉइंट्स हैं स्ट्रांग होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। डेली बेसिस पे आपने करना है और डाइट का ख्याल रखें, फिर इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाथ बिल्कुल इस तरह ग्रिप में और इसको आपने बैक पे ले जाना है, होल्ड करना, ताकि आपके काफ, क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, बैक सभी आपके स्ट्रेंथ लेवल पे आए। होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन अप स्ट्रेट डाउन, फुली स्ट्रेच आपने करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, इसको एक बड़े रिदम से, ताकि आपको पता चले कि आपके मसल में स्ट्रेंथ कितनी। मोस्टली मैंने देखा है जिनकी हाइट कम है फिजिकली भी, वो थोड़े वीक होते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते। कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में आपने ज़्यादा करना है, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी आती है सीजनल, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है डेली रूटीन में। उसके बाद हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, लेग स्ट्रेच, जैसे आप रनिंग करने लगे हो, और होल्ड करना है पोजिशन में, फेस अप हो, फेस डाउन नहीं करना, देन होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्विच करें दूसरी साइड पे, एक साइड नहीं दोनों साइडों को कवर करना। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 एक्सरसाइज डेली बेसिस पे आपने करा। उसके बाद इसी पोजीशन में, इसी एंगल में रहना है, नी को, बैक लेग को आपने फ्लोर पे रखना है और डाउन पोजीशन में हाथ आपके जितने आगे जाएं, देन होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थर्ड, मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। लोग ये सोचते हैं कि हाइट नहीं बढ़ सकती, बढ़ सकती है, लेकिन प्रॉपर एक पैटर्न बनाया जाए, एक डाइट स्केड्यूल बनाया जाए, उसके अंदर डाइट और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइज, इसको आपने करना। उसके बाद आपने फ्लोर के ऊपर मैट हो, हाथ बिल्कुल आगे, बिल्कुल स्ट्रेट करें, नेक डाउन, देन होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 10 सेकेंड आपने होल्ड करना।
देन अप, उसके बाद आपने फौरन स्विच करना है, हाथ बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगा और क्वाड्स मसल पे आपने रखना है। देन सेकंड हैंड आपका फ्लोर पे हो, अगर नहीं लग सकता तो आप पाँव पे भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ्लोर पे हो। देन अप पोजिशन, होल्ड, स्विच, 1, 2, 3, 4, 5, स्विच, राइट हैंड अब लेफ्ट लेग पे आएगा और स्टिफ करना, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है, लेकिन आपने इसको करना है। 19 के बाद लोगों के माइंड में आता है कि ठीक है अब जितनी बढ़नी थी बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास टाइम है 22 ईयर्स तक, 22 साल तक हम कोशिश कर सकते हैं। ये ना हो कि बाहर के खाते रहें और करें कुछ ना, तो फिर कैसे बढ़ेगी। उसके बाद हमने स्विच करना है, बैक लेग स्ट्रेच, फ्रंट को आपने अगर राइट है तो राइट, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट, उसको आपने बेंड करके देन डाउन एंड बैक लेग को फुली आपने स्ट्रेच एंड अप पोजिशन और होल्ड आपने करना। देन अगेन 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट और आप स्विच करें सेकेंड लेग पे। आप राइट साइड पे हम आ गए, देन अप पोजिशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कूल, ओके। अब हम करेंगे स्टैंडिंग पोजिशन में। नॉर्मली आपने देखा होगा फुट टच आपने करना है, पाँव फुली क्लोज, ओके लेवल हो गए, शायद थोड़ी सी बढ़ गई मुझे लग रहा है, ओके हाथ डाउन आपने लेके जाने, फर्स्ट आपने फुट फिंगर को टच करें, देन होल्ड 5 सेकेंड और फौरन आपने स्विच करना है, काफ मसल को ग्रिप करें, देन स्लोली स्लोली हेड डाउन, फुल डाउन, 1, 2, 3, 4, 5। लगता है मसल काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। सो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, डाइट और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कौन सी, क्योंकि लोगों को ये पता चलता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जिसको हम करेंगे तो ऐसा होगा। हम अपने प्रोग्राम में यही बताना चाहते हैं कि जो जो जर्नल इश्यूज हैं हम उनको आगे लेके आएँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, आप लोगों को पता चल कि कौन सी डाइट है, कौन सी ट्रेनिंग है। हाँ, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमें ये इशू है तो आप इस पर कोई प्रोग्राम बनाएं, तो हम उसी के थ्रू आपको नॉलेज देंगे, अवेयरनेस देंगे, ट्रेनिंग देंगे कि ये डाइट, ये ट्रेनिंग है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डाइट प्लान भी आप पूछ सकते हैं चैनल के थ्रू। कोई अगर हेल्थ इशू है हमें बताएं, इंशाल्लाह विद डाइट एंड ट्रेनिंग हम उस इशू को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, आपका होस्ट रहमान अब्बास एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।